भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आतंकी निज़र की हत्या के मामले में झूठे आरोपों से अपनी किरकिरी करा चुका कनाडा अब हास्यास्पद दांव पर उतर आया है। सोमवार को कनाडा पुलिस ने अपने मनगढ़ंत आरोपों को सही ठहराने के लिए लॉरेंस गैंग का कनेक्शन भारत सरकार के एजेंटों से जोड़ने की कोशिश की। इससे पहले कनाडा ने आतंकी निज़र की हत्या के मामले में भारत और भारतीय उच्चायुक्त को घसीटने का प्रयास किया था, जिसका भारत ने कड़ा जवाब दिया। पहले दिन में कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए टूंडो सरकार को फटकार लगाने के बाद भारत ने शाम को कनाडाई उच्चायुक्त को नई दिल्ली तलब किया और अपने राजनयिकों को कनाडा से वापस बुलाने की घोषणा कर दी। इससे थोड़ी देर बाद भारत सरकार ने और बड़ा कदम उठाते हुए कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित करने का आदेश दिया और उन्हें 19 अक्टूबर तक देश छोड़कर चले जाने को कहा। इन सब चीज़ों से बौखलाए कनाडा ने फिर अपने झूठे आरोपों का राग अलापना शुरू कर दिया है।